सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद ऋषभ पंत समेत 7 टॉप क्रिकेटरों ने क्या कहा, जानिए। नमस्कार। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का 40वां मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 314 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 40 ओवर में 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की तरफ से शाकिब उल हसन ने 74 गेंदों में 66 रन और सैफुद्दीन ने 48 गेंदों में 51 रन की पारी खेली, परंतु वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस मैच में मिली जीत के साथ भारतीय टीम विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। इस मैच के दौरान शानदार शतकीय पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम के पहुंचने के बाद टीम इंडिया के टॉप क्रिकेटरों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने ट्वीट करते हुए लिखा, जसप्रीत बुमराह एक सुपरस्टार है। उन्होंने अंत के ओवरों के दौरान कमाल की गेंदबाजी की, परंतु बांग्लादेश की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया और मैच को अंत तक काफी नजदीक ले गए। भारतीय टीम को बहुत बधाई। भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर इरफान पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा, बांग्लादेश की टीम ने अच्छा फाइट करके दिखाया, परंतु सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम हकदार थी। मुबारक हो टीम इंडिया। इस मैच के दौरान शानदार शतकीय अर्धशतकीय पारी खेलने वाले ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने मैच के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, सेमीफाइनल में हम लोग पहुंच चुके हैं, एक बहुत बड़ी जीत, टीम इंडिया पर हमें गर्व है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और फिलहाल कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, जसप्रीत बुमराह 24 कैरेट गोल्ड है, वह हर दिन अपने प्रदर्शन को और भी बेहतर करते जा रहे हैं, वह सचमुच में कमाल के हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बीबीएस लक्ष्मण ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय टीम को बहुत बधाई हो, वह सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हकदार थी। जसप्रीत बुमराह ने अंत के ओवरों में काफी कमाल की गेंदबाजी की। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अंत के समय में काफी अच्छा जज्बा दिखाया। भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर सुरेश रैना ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, इसके बाद गेंदबाजों ने अपना काम अच्छी तरीके से निभाया और क्रिकेटर को समय समय पर निकालते रहे और दबाव अंत तक बनाए रखा। इस मैच के दौरान शानदार 48 रनों की पारी खेलने वाले ऋषभ पंत ने सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, एक बड़े लक्ष्य से बस एक कदम दूर, भारतीय टीम के द्वारा किया गया शानदार प्रयास, आप सभी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी एक साथ काफी मजबूत हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।